कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, जय हो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हो कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, प्रेम से नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी, नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी, छोड़ यटारी यटा जग की, हमको कुटिया ब्रज माही बनन, 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 टोक मिले रसिको की सदा, और बीमन को यमुना जल पानी, टोक मिले रसिको की सदा, और बीमन को यमुना जल पानी, हमें और न की परवाह नहीं, अपने ठकुराने श्री राधिका रानी, 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 श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे, राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे,
राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय श्री कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण जय प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद जय जय प्रभुपाद 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 जय शिल प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की कृष्ण चंद्र भगवान की ग्रंथ राष्ट्र भागवतम महापुराण की श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंद आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तदाम वृंद वन रम्या काचिदुपासना ब्रज बदो वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाणममलम् प्रेमा पुमर्तो महा श्रीचैतन्य महाप्रभो मत्मिदं तत्रादरो नः पर श्रीचैतन्य महाप्रभो मत्मिदं तत्रादरो नः पर वंशे विवोषित करा नवनीरदाभा पीतांबर दरुणबिम बफल दरोष्टा पूरणेन्दु सुंदर मुखान अरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्व अहम् न जाने योन्तः प्रवेश मम वा चमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलश तिदरस्वदाना
अन्यांश हस्तचरण श्रवणत्वगादी प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तोभ्यं करारविन्दे नपदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसास्मरा श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिहवे पिबत्स्वा मृत में देव गोविंद दामो धर्माधवे जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर कृष्ण चंद्र भगवान की शील प्रभुपाद की। आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ की ओर से प्रस्तापित श्री जगन्नाथ रथ यात्रा के उपलक्ष्य में यह भगवत कथा के द्वितीय सत्र में हार्दिक स्वागत करते हैं। परम सौभाग्य है जगन्नाथ जी को प्रसन्न करने के लिए हृदय में भक्ति और प्रेम उत्पन्न करने के लिए श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। यह हम सबका परम सौभाग्य है और इससे भी बड़ा सौभाग्य है भगवान के महान भक्त महानुभावों के बीच में बैठकर भगवत कथा सुनने का अवसर मिला है। हमारा सौभाग्य है श्री कविचंद महाराज के सानिध्य में यहाँ पर बहुत सुंदर प्रचार हो रहा है और इसी के साथ साथ पूज्य नरसिंह महाराज की उपस्थिति है। वेदव्यास प्रिय महाराज और हमारे लक्ष्मीपति प्रभु और अनेकों वरिष्ठ भक्त मायापुर से इष्ट देव प्रभु पधारे हैं। इन सब भक्तों के सानिध्य में इन सब भक्तों के आशीर्वाद से कृपा से आज हम सब भक्त भक्ति में लगे हैं। बहुत बड़ा ऋण है, अच्छा है भक्त के पास आया। बाहर किसी के आदमी के पास आया तो खा जाते हैं, क्योंकि यहाँ थाईलैंड में मैं देख रहा हूँ सब कुछ खा जाते हैं।
कभी मैं मुंबई में सोता हूँ, ऊपर छिपकली देखता हूँ तो डर जाता हूँ। उस समय सोचता हूँ थाईलैंड का कोई होता तो उतार कर खा लेता। तो परम सौभाग्य है, मैं शायद नाम भूल रहा हूँ तो क्षमा कीजिएगा, परंतु इन सब सन्यासी महाराज वरिष्ठ भक्तों के सानिध्य में हम सब बैठकर भगवत कथा श्रवण कर रहे हैं, बहुत बड़ा सौभाग्य है। भारत के संतों ने इस सौभाग्य को एक छंद में बता दिया, संत मिलन को चालिए तजी मान अभिमान, संत मिलन को चालिए तजी मान अभिमान, एक एक पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान, एक एक पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। ऐसे भक्तों के, ऐसे शुद्ध भक्त संतों के सानिध्य में सत्संग में भगवत कथा सुनना ये बहुत बड़ा कार्य है। कोटिन यज्ञ समान। महाभारत में एक छोटा सा प्रसंग है, आपको श्रवण करा दूं। युधिष्ठिर महाराज ने एक बहुत सुंदर यज्ञ किया और द्वापर युग तक जब कोई राजा यज्ञ करता था, यज्ञ समाप्ति होने पर, यज्ञ पूर्ण होने पर उस राजा के राज्य में मंदिर में जो घंटी होती थी अपने आप बजने लगती थी। घंटी जानते हैं ना, मंदिर में प्रवेश करते समय बेल बजाते हैं। जब किसी राजा का यज्ञ समाप्त होता था, पूर्ण होता था, तो वह मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगती थी। धर्मराज युधिष्ठिर ने बहुत सुंदर यज्ञ किया परंतु वह घंटी नहीं बज रही थी। भगवान कृष्ण के पास गए, प्रभु बताइए इतना बड़ा यज्ञ किया है लेकिन यह घंटी नहीं बज रही है। कृष्ण ने कहा देखो आपके यज्ञ में कोई भूखा रह गया होगा, जरा जाकर ढूंढो। युधिष्ठिर महाराज अपने राज्य में ढूंढने के लिए निकल पड़े। यमुना के तट पर एक साधु बैठा था। युधिष्ठिर महाराज ने कहा महाराज आप यहां पर क्यों बैठे हो, हमारे वहां सत्संग है, अनेकों साधु संग संत महात्मा आए हैं, आप हमारे वहां पर चलिए भोजन कीजिए और मेरे यज्ञ को समाप्त कीजिए। वो साधु थोड़ा अकड़ू था, सीधा साधु नहीं था, कहा मैं तुम्हारे यज्ञ में नहीं आऊंगा। बोले महाराज चलिए ना, केवल आपके कारण मेरा यज्ञ अधूरा है, मैं नहीं आऊंगा। यदि तुम्हें मुझे यज्ञ में लेकर जाना है तो 100 यज्ञ का फल मुझे प्रदान करो। तुम 100 यज्ञ का फल मुझे जब दोगे तब मैं तुम्हारे यज्ञ में आऊंगा। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि हे महाराज, जीवन में पहला यज्ञ कर रहा हूं और वो भी आपकी कृपा से अधूरा है, आपकी महत कृपा से ये मेरा यज्ञ भी पूरा नहीं हो रहा है, और 100 यज्ञ का फल मैं आपको कहां से लाकर दूंगा। महाराज कृपा कीजिए, दया कीजिए, आप मेरे राज्य में आइए, भोजन कीजिए, मेरे यज्ञ को पूरा कर दीजिए। अरे मैं नहीं आऊंगा। बहुत टेढ़ा साधु था। युधिष्ठिर महाराज निराश होकर घर पर आए। पत्नी द्रौपदी ने पूछा कि प्रभु कोई तकलीफ है, आप बहुत चिंता में लग रहे हो। युधिष्ठिर महाराज ने कहा देखो ना, इतना मेहनत किया, इतने साधु संत आए, लेकिन एक साधु के कारण मेरा यज्ञ अधूरा रह गया। द्रौपदी ने कहा पतिदेव आपकी आज्ञा हो तो उस साधु को मैं मनाने के लिए जाऊं।
युधिष्ठिर महाराज ने कहा मेरे से नहीं मान रहा है तो तेरे से कैसे मानेगा। युधिष्ठिर महाराज ने कहा द्रौपदी तुमसे नहीं मानेगा। द्रौपदी ने कहा मुझे एक प्रयास तो करने दीजिए। इस संसार के पुरुष लोग खामखा अपनी स्त्री को अंडर एस्टिमेट करते हैं। स्त्रियों में जो ताकत है पुरुषों में नहीं है। जो काम युधिष्ठिर से नहीं हुआ द्रौपदी से हुआ, इसलिए कभी भी स्त्री को कम नहीं। कौन कहता है स्त्री अबला है? शास्त्र में देश में लोग ऐसा कहते हैं कि स्त्री अबला है, ये अबला नहीं है, सबला है, बहुत बड़ी बला है। और प्रैक्टिकल यदि मैं आपको कहूं तो आज का पुरुष 20-25 साल तक मेहनत करता है, काम धंधा बिजनेस करता है, बेचारा 12 घंटे तक टेलर की दुकान में खड़ा रहता है कस्टमर की राह देखकर, कुछ कुछ तो 15-20 घंटे तक खड़े रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक गधे बैल की तरह मेहनत करते हैं, 20-25 साल तक मेहनत करते हैं और सुंदर घर खरीदते हैं, टीवी खरीदते हैं, फ्रिज लाते हैं, वॉशिंग मशीन लाते हैं, 25-25 साल की मेहनत है। और जब शादी करता है और बहू घर पर, पत्नी घर पर आती है, घर पर आते ही एक ही दिन में सारा माल अपना बना देती है। कौन कहता है स्त्री में बुद्धि नहीं? शादी करके पत्नी घर पर आई है, उसके घर पर बैठने के लिए जाओ और पूछो कि फ्रिज किसका? मेरा। ये कबाड़ किसका? मेरा। ये घर किसका? मेरा। गाड़ी किसकी? मेरी। एक बार अपने पुरुष को कह रहा हूं, अपने ससुराल में जाकर ससुर की गाड़ी को कहना ये मेरी है, डंडे पड़ेंगे। और ताकत देखिए, सब कुछ अपना। तो स्त्री को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, बहुत ताकत है स्त्री में। कुछ लोग स्त्री को कुछ समझते ही नहीं है। स्त्री में बहुत ताकत है, मातृशक्ति है। और आज का पुरुष तो बिल्कुल स्त्रियों के हाथों का खिलौना बन चुका है, कंट्रोल है। बेचारा पुरुष बड़े भाव से प्रेम से कथा सुन रहा है, लेकिन यहां से इशारा हुआ सीधा बात, मैं अभी अभी देखा, इसलिए मैं बोल रहा हूं, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं उस आदमी को कल मिलने वाला हूं, देखो खड़ा दोनों बार, बेचारा प्रेम से सुन रहा था यहां पर और मूड बनाकर बैठा था 12 बजे तक सुनूंगा, लेकिन यहां से क्या पता है इशारा हुआ, रिमोट कंट्रोल की तरह जैसे चैनल बदल जाती है, बदल गया। भक्त तो ये इसमें स्त्री का कोई फॉल्ट नहीं है, ये कलयुग है, कलयुग का प्रभाव। रामायण में गरुड़ जी ने काक भूषणी जी को पूछा कि कलयुग कैसा होगा। गरुड़ जी ने काक भूषणी जी को पूछा कलयुग कैसा होगा, तब काक भूषणी जी कलयुग का प्रारंभ कहां से करते हैं सुनना है, मुझे दोष मत देना, मैं रामायण की बात बता रहा हूं। जानते हैं कलयुग का प्रारंभ कहां से होता है? नारी विवश नर सकल गोसाई, नारी विवश नर सकल गोसाई, नारी विवश नर सकल, नारी विवश नर सकल गोसाई, नारी विवश नर सकल गोसाई, नारी विवश नर सकल गोसाई। जो लोग हिंदी नहीं जानते ना वही गा रहे हैं, बाकी जानने वाला गाएगा नहीं। नाचे नर मर खट की नाई, नाचे नर मर
पिता तबलो अब लाल नदीक नहीं तबलो शुद्ध माँ नहीं माँ तू पिता तबलो शुद्ध माँ नहीं माँ तू पिता तबलो शुद्ध माँ नहीं माँ तू पिता तबलो अब लाल नदीक नहीं तबलो अब लाल नदीक नहीं तबलो गोस्वामी जी ने काकभूषण जी ने कलयुग का वर्णन किया कलयुग कैसा होगा नारी विवश नर सकल गोसाई कलयुग का प्रारंभ कहां से होगा जिस दिन कलयुग का मनुष्य नारी के वश में हो गया वहां से कलयुग का प्रारंभ होगा दृष्टांत देते हैं जैसे बंदर आपने बंदर को देखा है वृंदावन गए होंगे किसी का चश्मा ले लेते हैं किसी का पॉकेट ले लेते हैं ये बंदर बड़ा चंचल पशु है बंदर को पकड़ना बहुत कठिन है परंतु फिर भी बंदर को पकड़ा जाता है कैसे जानते हैं बंदर को पकड़ने के लिए कांच का पोट होता है एक कांच का घड़ा जो नीचे से बड़ा ऊपर से बहुत पतला होता है उस कांच के घड़े में चना डाल दिया जाता है चना जानते हैं ना चने बंदर बंदर को चना बहुत पसंद है चना देखकर मुंह में लार आ जाती है तो बंदर को चना पसंद है और चना भरकर वह पोट वह घड़ा बिल्कुल चार रास्ते के बीच में रख देते हैं बंदर देखता है कि इसमें चना है वह दूर से आता है चना खाने के लिए और जैसे ही उसमें हाथ डालता है और चने को पकड़ता है तो हाथ फंस जाता है और बंदर पकड़ने वाला आदमी धीरे 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 बंदर के पास आ रहा है बंदर देख रहा है कि मुझे पकड़ने के लिए आ रहा है लेकिन फिर भी वह चने में आसक्त वह बंदर उस चने को छोड़ता नहीं यदि चने को छोड़ दे तो हाथ निकल जाए और वहां से भाग सकता है लेकिन चने में आसक्त बंदर उसे छोड़ नहीं सकता है वैसे स्त्री में आसक्त पुरुष उसे छोड़ नहीं सकता है। बंदर प्रयास करता है उस चने को निकालने का निकलता नहीं है हाथ फंस चुका है और धीरे धीरे बंदर पकड़ने वाला आता है और बंदर के पास पहुंच जाता है और बंदर के गले में रस्सी डाल देता है जैसे शादी के दिन गले में वरमाला डाली जाती है जैसे ही रस्सी आई सारी स्वतंत्रता समाप्त शादी के पहले शेर की तरह घूमता है शादी के बाद चूहा बन जाता है आपने बंदर को देखा होगा जैसे ही गले में रस्सी आई हम मदारी डुगडुग भी बजाता है और बंदर नाचता है कहता है चलो सलाम करो तो सलाम करता है चलो हाथ जोड़ो तो हाथ जोड़ता है चलो झुको तो झुक जाता है नारी विवश न सकल गोसाई नारी विवश नर सकल गोसाई नारी विवश नर सकल गोसाई अब लाल नदीक नहीं तबलो शुद्ध माँ नहीं माँ तू पिता तबलो शुद्ध माँ नहीं माँ तू पिता तबलो शुद्ध माँ नहीं माँ तू पिता तबलो अब लाल नदीक नहीं तबलो अब लाल नदीक नहीं तबलो काकभूषण जी ने गरुड़ जी को कहा गरुड़ इस संसार के बच्चे
इस संसार की संतान अपने माता पिता की बात तब तक सुनेंगे जब तक होने वाली पत्नी का चेहरा नहीं देख लेते हैं। जिस दिन पत्नी घर पर आई उस दिन माता पिता का संबंध समाप्त। ससुरारी प्यारी लगी जब ते, ससुरारी प्यारी लगी जब ते, ससुरारी प्यारी लगी जब ते, विपुरूप कुटुंब भयो तब ते, विपुरूप कुटुंब भयो तब ते। कागवशंडी जी कहते हैं गरुड़ इस संसार के पुरुष को जिस दिन अपना ससुराल अच्छा लगने लगा, जिस दिन पुरुष को अपना ससुराल अच्छा लगने लगा उस दिन उनका कुटुंब शत्रु के समान बन जाता है और उस पत्नी की आसक्ति में फंसकर आज का मनुष्य अपने माता पिता की सेवा छोड़ देता है, भूल जाता है। महाभारत में वर्णन है कि युधिष्ठिर महाराज के राज्य में एक आदमी प्रश्न लेकर आया कि एक बहुत बड़ा घड़ा था, घड़ा जानते हो ना, मटका, एक बहुत बड़ा मटका था, उस मटके में पानी भरा हुआ था और चार छोटे छोटे मटके थे, उस बड़े मटके में जो पानी था वो चार छोटे छोटे मटके में डाला गया, चारों छोटे छोटे मटके भर गए, लेकिन वे चार मटके से जब बड़ा मटका भरा गया तो वो आधा भी नहीं भरा। किसी ने धर्मराज युधिष्ठिर को पूछा ये क्या है, तब युधिष्ठिर महाराज ने कहा ये कलयुग का प्रभाव है, एक मटके से चार मटके भर गए, इसका अर्थ है कलयुग में एक माता पिता अपने चार चार संतान का पालन करेंगे लेकिन चार संतान मिलकर अपने एक माता पिता का पालन नहीं कर पाएंगे। शुद्ध मान ही मातु पिता तब लो, शुद्ध मान ही मातु पिता तब लो, शुद्ध मान ही मातु पिता तब लो, अब लालन देख नहीं तब लो, अब लालन देख नहीं तब लो। यदि ये मैंने शुरू कर दिया तो पूरी रात निकल जाएगी। मैं किस चीज से यहां पर चला गया? अच्छा हाँ, याद है आपको? यस, द्रौपदी युधिष्ठिर महाराज को कहने लगे कि पतिदेव आपका यज्ञ अधूरा है क्योंकि वह साधु वह संत आपके इस यज्ञ में नहीं आ रहा है। तो पतिदेव आप कहो तो मैं जाऊं? तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा था मेरे से नहीं आया तो आपसे कैसे आएगा। द्रौपदी ने कहा एक चांस तो दीजिए। युधिष्ठिर महाराज ने आज्ञा दी और द्रौपदी उस साधु के पास गई। साधु यमुना तट पर बैठे थे। द्रौपदी ने कहा महाराज आप हमारे यज्ञ में चलिए, आपके बिना हमारा यज्ञ अधूरा है। साधु ने कहा एक बार कह चुका हूं कि 100 यज्ञ का फल मुझे दोगे तब मैं आपके यज्ञ में आऊंगा। द्रौपदी ने कहा मंजूर है महाराज, 100 यज्ञ का फल मैंने आपको दे दिया। साधु कहता है कि पहले अपने पति को जाकर तो पूछ, जीवन में 100 यज्ञ किया है? जीवन में पहला यज्ञ कर रहा है और 100 यज्ञ का फल मुझे कैसे देगा? तब द्रौपदी ने उस साधु को कहा महाराज लगता है आप शास्त्र पढ़ते नहीं है। क्या लिखा है शास्त्र में? संत मिलन को चालिए तजी मान अभिमान, एक एक पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। हमारे वहां अनेकों साधु संत महात्मा आए हैं, साधुओं की जमात लगी है, सत्संग हो रहा है और आप यदि वहां पर आओगे सत्संग करने के लिए तो शास्त्र में लिखा है कि सत्संग में जाते हुए हम जितने कदम आगे बढ़ाते हैं एक एक कदम पर करोड़ों यज्ञ का फल प्राप्त होता है। एक एक पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान, सत्संग में जाते हुए एक कदम आगे बढ़ाया तो 1 करोड़ यज्ञ का फल शास्त्र में लिखा है। तो महाराज आप यहां से चलिए सत्संग में
और करोड़ों यज्ञ का फल आपको मिलेगा, 100 यज्ञ का फल रख लेना, बाकी का मुझे दे देना। और यही हुआ भक्त, वो साधु तो खड़ा होकर चलने लगा, वहां जाकर सत्संग किया, भोजन किया, और जैसे ही उसने भोजन किया वह घंटी अपने आप बजने लगी। युधिष्ठिर महाराज का यज्ञ पूर्ण हुआ। तो हमारा सौभाग्य है कि आज अनेकों भक्त संत महाराज श्री और वरिष्ठ भक्तों के सानिध्य में सत्संग करते हुए भगवत कथा सुन रहे हैं। कुछ लोगों के मन में एक प्रश्न है कि भाई पतंग तो बहुत दूर है यहाँ से, और इतना दूर सत्संग करने के लिए कौन आएगा। कुछ लोग दूर दूर से आते हैं और अभी भी मन में सोचते होंगे कब खत्म करेंगे और कब घर पर पहुंचेंगे। लेकिन इस सिद्धांत के अनुसार जो व्यक्ति सत्संग करने के लिए जितना दूर से आता है उसे उतना ज्यादा यज्ञ का फल प्राप्त होता है। धन्य है मेरे हुईन वाले, बैंकॉक वाले, कोसोमे वाले, क्रबी वाले हैं कि इतने दूर दूर से, हाँ मलेशिया से आए ना, मलेशिया सिंगापुर वाले इतने दूर दूर से आए हैं। बताइए कितने करोड़ों यज्ञ का फल प्राप्त होगा, और सबसे ज्यादा तो मुझे होगा, इंडिया से आया हूं। डेट बदल गई। परम सौभाग्य है कि हम सब भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। गत सत्र में महाराज परीक्षित की सभा में सुखदेव गोस्वामी का आगमन हुआ। कल ये कथा वहां पतंग में आपने श्रवण की, बहुत सुंदर सार गर्भित यह प्रसंग है। भक्तों, महाराज परीक्षित को श्राप लगा हुआ है कि वे 7 दिन में मरने वाले हैं। आप यह मत समझिए कि श्राप मात्र महाराज परीक्षित को लगा है, श्राप हम सबको लगा है। हम सब लोग मौत के मुख में बैठे हुए हैं, और जैसे ही महाराज परीक्षित को श्राप लगा तो महाराज परीक्षित ने भागवत का आश्रय लिया, भगवान का आश्रय लिया। हम सब लोग मौत के मुख में हैं, और मौत के मुख में रहने वाला व्यक्ति यदि भगवान का आश्रय ले ले तो वह मृत्यु जैसे महादुख से, महाभय से बच सकता है। भारतवर्ष में एक बहुत बड़े संत हुए जिसका नाम था कबीर। उन्होंने एक दोहा लिखा, उनके जीवन की यह सत्य घटना है। वो लिखे हैं, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोई, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोई। पहले तो चक्की को समझ लीजिए, चक्की क्या होती है। आप लोग, आप तो सिर्फ काम धंधा बिजनेस वाले हैं, गेहूं का आटा जब बनाना होता है या चावल का आटा बनाना होता है तो आज तो आप लोग रेडीमेड ले लेते होंगे। आज भी भारत जैसे देशों में, मुंबई जैसे शहरों में भी माताएं अपने घर से चावल और गेहूं लेकर जाती हैं चक्की पर, और वहां उसका आटा बनाकर लाती हैं। ये शहरों की परंपरा, लेकिन गाँव में तो कुछ अद्भुत बात है। दो पत्थर, गोल पत्थर होता है ना, नीचे का पत्थर स्टेबल होता है, ऊपर का घुमाते हैं। आपके नेपाल में, बर्मा में है, नहीं है तो देखना चाहिए। तो नीचे गोल पत्थर, ऊपर गोल पत्थर होता है, नीचे के पत्थर में एक खिला होता है बीच में, सेंटर में, और ऊपर वाला गोल पत्थर में होल होता है जिसमें फिट हो जाता है। और तो ये लड़की या तो क्या कर पाएगी, बूढ़ी औरतें करती है बेचारी, गोल गोल घुमाती है, है। और जब ज्यादा आटा पीस करना होता है, ज्यादा गेहूं पीसना होता है, तो आमने सामने दो लोग बैठते हैं, आधा ये घुमाती आधा वो घुमाती है। तो ऊपर का पत्थर घुमाते हैं, ऊपर से डालते जाते हैं, है।
चावल या गेहूं ऊपर से डालते जाते हैं, उसको घुमाते जाते हैं और आटा बनते जाता है। तो कबीर दास जी, भारत के संत, संत कबीर रास्ते से जा रहे थे और एक बुढ़िया आटा बना रही थी, गेहूं पीस रही थी, और यह दृश्य देखा तो कबीर दास जी रोने लगे। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोई, उस चलती चक्की को देखकर कबीर दास जी रोने लगे। जानते रोने का कारण क्या है? उस चक्की को देखकर कबीर दास जी को काल का स्मरण हुआ, यह चक्की नहीं ये महाकाल है। भागवत में लिखा है कि एक ऐसा चक्र है जो घूम रहा है, पूरी दुनिया मिलकर भी उस चक्र को कोई रोक नहीं सकता, और वह चक्र है काल चक्र स्वयं भ्रमिम। ये काल रूपी चक्र सबके जीवन में घूम रहा है, और हमारे जीवन से आज का दिन, आज का समय, आज का, आज की घड़ी, आज की सेकंड चली गई तो चली गई, वो वापस नहीं आने वाली। याद रहे भक्तों, हम सब लोग मौत के मुख में भरे हुए हैं। प्राय हम लोग ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि हम लोग जी रहे हैं, परंतु तत्व से यदि देखा जाए तो हम लोग जी नहीं रहे, हम लोग मर रहे हैं। जीना तो उसे कहा जाता है कि प्रतिदिन आपकी उम्र बढ़ती जाए, आपका जीवन लंबा होता जाए, लेकिन प्रतिदिन हमारा जीवन घटता जा रहा है, कम होता जा रहा है। हम जी नहीं रहे, हम मर रहे हैं, प्रतिदिन प्रति सेकेंड मौत के मुख की ओर जा रहे हैं। ये काल का चक्र घूम रहा है, तो उस चक्की के चक्र को घूमते हुए देखकर कबीरदास जी रोने लगे, क्योंकि कबीरदास जी ने सोचा कि इस चक्की में जो गेहूं डाले जा रहे हैं, ऐसी हालत संसार के मनुष्य की है ना। गेहूं पड़े होते हैं, उसे ले लेकर डालते उसमें हैं, एक के बाद एक का टन आते जाता है, तो गेहूं उठा उठा कर डालते हैं और उसमें पीस जाते हैं, जैसे संसार के लोग काल के चक्र में फंस कर मर जाते हैं, मर जाते हैं, आखिर सबको मरना है। तो कबीरदास जी रोने लगे, लेकिन कबीरदास जी ने जब एक चीज देखी तब वो नाचने लगे। क्या देखा उसने? कि जितने दाने उसमें डाले जा रहे हैं सब पीस रहे हैं, सबका आटा बन रहा है, लेकिन नीचे वाला जो पत्थर है और उसके बीच में जो खिला है, उस खिले को सटक कर जो जो दाने हैं, उस बीच वाले खिले से सट कर जो गेहूं और चावल के दाने हैं वो बच गए। आपने कभी देखा होगा, ऊपर का पत्थर निकाल दो तो जो खिले के बाजू में जो दाने होंगे ना, वो नहीं पिसाई जाएंगे, वो ऐसे के वैसे ही रहेंगे। तो कबीरदास जी ने देखा, वो हंसने लगे, नाचने लगे, बोले काल का चक्र सबको मार रहा है, काल का चक्र सबको पीस रहा है, लेकिन उस काल के बीच में खिला जो है वो साक्षात भगवान कृष्ण है, और कृष्ण के से सटकर यदि कोई बैठ गया, भागवत के निकट यदि कोई बैठ गया, तो काल के चक्र से मुक्त हो जाएगा, मरने से बच जाएगा। मृत्यु से बच जाएगा। आप कहोगे भागवत सुनने वाला, भक्ति करने वाला क्या मरेगा? नहीं, मरेगा, लेकिन दुनिया के लोगों की तरह नहीं। मरने के बाद पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। दुनिया के लोग मरते हैं तो दूसरा जन्म मिलता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, तीसरा जन्म, चौथा जन्म, बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसते हैं, लेकिन भगवान और भागवत का आश्रय लेने वाला व्यक्ति एक बार मरता है फिर सदा सदा के लिए वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है, भगवान को प्राप्त हो जाता है। अतः भगवान का आश्रय लेना चाहिए। महाराज परीक्षित ने जब देखा कि 7 दिन में उनकी मृत्यु होने वाली है, उन्होंने भगवान भागवत का आश्रय लिया। परीक्षित महाराज के मन में बहुत उत्कंठा हो गई, बहुत बड़ी जिज्ञासा हुई,
कि मैं भागवत सुनना चाहता हूं, मुझे भागवत सुनाने वाला कोई चाहिए। हजारों लाखों संत वहां पर आए, तत्रोप जगमुम भुवनम पुनाना, भूमंडल को पवित्र करने वाले अनेकों ऋषि मुनि उस भागीरथी गंगा के तट पर उपस्थित हुए। महाराज परीक्षित बारंबार जिज्ञासा करने लगे, मुझे कोई भागवत सुनाइए, भागवत सुनाइए। भक्तों, शास्त्र का सिद्धांत है कि मन में जब सच्ची इच्छा होती है, मन में जब शुद्ध इच्छा होती है, तो भगवान की कृपा से शुद्ध गुरु की प्राप्ति होती है। कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं और फिर गुरु की कृपा से कृष्ण मिलते हैं, जब मन में शुद्ध इच्छा हो। अब जैसी इच्छा वैसे गुरु मिलेंगे, इस दुनिया में गुरुओं की तो कोई कमी नहीं है। अब देखिए कितने संप्रदाय, कितने मत, कितने पथ हैं। यदि शुद्ध इच्छा है तो शुद्ध गुरु मिलेंगे, और मिलावट वाली इच्छा है तो वैसे गुरु मिलेंगे। 15 मिनट प्रवचन करके खत्म करेंगे, जाओ घर पे जाके सो जाओ। कुछ लोगों की मन में इच्छा होती है कि हम लोग थोड़ा धर्म ध्यान भी करें और थोड़ा भोग भी भोगे, थोड़ा नशा वशा भी करे, तो उसको ऐसे गुरु मिल जाते हैं कि जा बेटा, जो खाना है खाओ, जो पीना है पियो, लेकिन समय से डोनेशन दे देना है। ऐसे गुरु मिलते हैं, गुरुओं की कोई कमी नहीं, मल्टीपर्पज गुरु मार्केट में है। लेकिन मन में यदि शुद्ध इच्छा होती है कि नहीं, मुझे बस इसी जन्म में भगवान को प्राप्त करना है, तो भगवान की कृपा से ऐसे सदगुरु की, शुद्ध गुरु की प्राप्ति होती है। इतिहास खोल कर देख लीजिए, ध्रुव महाराज के मन में शुद्ध इच्छा थी कि विष्णु को प्रकट करना है, भगवान को तुरंत प्राप्त करना है। ध्रुव महाराज जानते नहीं थे भगवान कैसे मिलेंगे, कहां मिलेंगे, कब मिलेंगे, लेकिन मन में इच्छा बहुत शुद्ध थी, और इसलिए भगवान के योग से ध्रुव महाराज को नारद जैसे गुरु मिल गए, प्रहलाद को गुरु मिल गए। और यहाँ परीक्षित महाराज के मन में जब शुद्ध इच्छा हुई कि मैं शुद्ध भागवत सुनना चाहता हूँ, भागवत का रसास्वादन करना चाहता हूँ, भागवत के द्वारा भगवान को समझना चाहता हूँ, तो उस समय भगवान के योग से महाराज परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी का मिलन हो गया है। सुखदेव गोस्वामी के विषय में कहते हैं, लीलाशुको सो वृषभानुजाया पवित्र चंचु प्रिय चुंबने एकांतिको नन्य रहस्य पाठी गोलो प्रसाद निवास। सुखदेव गोस्वामी के विषय में कहते हैं, लीला शुकोसो वृषभानु जाया, ये कोई साधारण शुक नहीं, ये तो वृषभानु नंदिनी श्रीमती राधा रानी का शुक है। श्रीमती राधा रानी को जब कृष्ण के पास कुछ मैसेज भेजना होता था, तो उनके पास एक तोता था, पैरट, जिसे शुक कहते हैं, वो शुक के कान में मैसेज देकर कृष्ण के पास भेज देती थी, और कृष्ण अपना संदेश राधा रानी को भेजते थे। राधा और कृष्ण के बीच में ये शुक मैसेंजर का काम करता था, मैसेंजर। अतः राधा और कृष्ण के बीच में जो आदान प्रदान है, ये गुह्य से गुह्यतर बात सुखदेव जी जानते हैं, और यह गुह्य रहस्य जगत के लोगों को, मानव समुदाय को देने के लिए भगवान ने सोचा कि इस शुक को पृथ्वी पर भेजना होगा भागवत का प्रवर्तन करने के लिए। तो राधा कृष्ण की गूढ़ रहस्यतम लीला को प्रदान करने के लिए उस दिव्य लीला शुक को भगवान ने इस पृथ्वी पर भेजा सुखदेव गोस्वामी के रूप में। वैसे तो सुखदेव गोस्वामी वेदव्यास मुनि के पुत्र हैं, क्योंकि कल हमने यह प्रसंग सुना परीक्षित और सुखदेव जी का मिलन, तो उस प्रसंग के अनुपात में मैं आपको कह रहा हूं।
वेदव्यास जी ने भागवत की रचना की और वे बड़े प्रसन्न हुए, और भागवत लिखने के बाद वेदव्यास मुनि ने अपनी कलम को रख दिया, छोड़ दी अपनी कलम, क्योंकि भागवत लिखने के बाद कुछ लिखने की आवश्यकता ही नहीं रही। परंतु जब तक भागवत का प्रकट हुआ, प्राकट्य हुआ, भागवत को लिखा गया, तब तक वेदव्यास मुनि बूढ़े हो चुके थे, तब तक वो बूढ़े हो चुके थे। तो वेदव्यास जी के मन में एक कामना हुई कि मैंने भागवत की रचना तो कर दी, लेकिन इस भागवत का प्रचार करने वाला, इस भागवत की कथा करने वाला एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हो जाती तो मेरा जीवन धन्य बन जाता, होनी चाहिए कि हमारी संतान हो और वह संतान भक्त बने, भक्ति का प्रचार करें। वेदव्यास मुनि के हृदय में एक कामना हुई, और याद रहे भक्तों, जब हृदय से कामना होती है ना, तब भगवान भक्त की कामना को पूर्ण करते हैं। भगवान डायरेक्ट नहीं करते, किसी भक्त के माध्यम से अपने भक्त की कामना को, इच्छा को पूर्ण करते हैं। वेदव्यास मुनि की कामना को पूर्ण करने के लिए भगवान ने शिव जी को माध्यम बनाया, शिव जी को। अब बताइए, शिव जी से बड़े वैष्णव कौन है? वैष्णव नाम यथाशंभु भगवत है, नदियों में श्रेष्ठ गंगा है, देवताओं में श्रेष्ठ विष्णु है, वैसे सभी वैष्णव के शिरमोर वैष्णव नाम यथाशंभु शिव जी है, भोलेनाथ है। दुनिया ने शिव जी को कुछ और रूप से देखा, लेकिन भागवत ने शिव जी को वैष्णव के रूप से देखा। अद्भुत शिवजी, आप सब जानते हैं शिव जी का विवाह पार्वती जी के साथ हुआ। ये सुखदेव जी के प्राकट्य की कथा सुना रहा हूं, क्योंकि सुखदेव मिलन हुआ है आज। तो जब शिव जी का विवाह पार्वती के साथ हुआ, वैसे तो शिव जी का पूर्व विवाह सती के साथ हुआ था, लेकिन सती ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने प्राण को त्याग दिया, तो सती का दूसरा जन्म हिमालय की पुत्री के रूप में शिवजी के पार्वती के रूप में हुआ। और जब देवी पार्वती छोटी थी, तब नारद मुनि उनको शिक्षा देने के लिए आए थे। अब शिक्षा देने की बात तो दूर रही, नारद मुनि शिवजी की बहुत प्रशंसा कर रहे थे, देखो बेटा जब तुम बड़ी होगी तो शादी शिवजी के साथ करना। तो बचपन से ही पार्वती के मन में यह हो गया कि मैं शिव के साथ विवाह करूंगी। जब देवी पार्वती बड़ी हुई, उनको पूछा गया किसके साथ शादी करें, बोले शिव जी के साथ। उनके पिता ने समझाया, माता ने समझाया, सप्तर्षि परीक्षा लेने के लिए गए कि तुम देखने में इतनी सुंदर हो, तुम्हें तो जैसा चाहिए वैसा दुल्हा मिल जाएगा, बहुत सुंदर राजकुमार मिलेगा, शिव जी को छोड़ो, किसी राजा के साथ विवाह करो। तब पार्वती ने यही कहा, कोटि जन्म लगी रगर हमारी, बरहु शंभु न तो रहू कुमारी। करोड़ों करोड़ों जन्म तक कुमारी रह जाऊंगी, लेकिन विवाह करूंगी तो शिव जी के साथ, शिव जी के साथ विवाह करूंगी। तो शिव जी के साथ मंगनी तय हो गई, एंगेजमेंट हो गया। लेकिन बहुत दिन बीतने लगे, शिव जी तो समाधि में बैठ गए। स्वर्ग में देवता लोग एक दिन आराम से बैठे थे और देवता लोक में चर्चा हो रही थी, इंद्र चंद्र वरुण इत्यादि सब लोग बैठ रहे थे, एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे कि यार कई दिन से किसी की दावत में नहीं गए, भोजन पानी कितने दिन से नहीं हुआ, ये रूखा सूखा खा रहे हैं, कुछ किसी की दावत में जाना है। बोले किस किस की शादी बाकी है? देवताओं ने कहा, देखो हमारे देव समाज में तो सबकी शादी हो चुकी है। बोले किसी की शादी पक्की करो, उसकी शादी में जाएंगे, कुछ नाचेंगे गाएंगे खाएंगे। बोले शादी सबकी हो गई, एक बाकी है और वो है शिव।
देवता लोग शिव जी के पास गए, उनकी समाधि से बाहर निकाले, शिव जी से निवेदन किए, भोलेनाथ शादी कर लीजिए ना। शिव जी ने देखा देवताओं की बड़ी भारी इच्छा है, कहा ठीक है कर लेते हैं। शादी की तारीख पक्की हो गई, देवता लोग अब उस शादी में नाचने कूदने और खाने के लिए तैयार हो गए। सुंदर सुंदर वस्त्र पहने, देविया तो ब्यूटी पार्लर में जा जाकर बहुत सुंदर मेकअप करके आई, अपने अपने विमानों को सजा धजा कर सारे देवता सीधे शिव जी के ससुराल में चले गए, शिव जी के होने वाली पत्नी के गांव में जहां से बारात शुरू होने वाली है वहां पर डायरेक्ट पहुंच गए। रामायणकार ने ऐसा लिखा है कि देवता बड़े स्वार्थी होते हैं, खुद को खाना पीना था तो शिव जी की शादी करवाए, और जब शिव जी की शादी का दिन आया तो देवताओं को चाहिए ना कि शिव जी को थोड़ा मेकअप करे, शिव जी को सजाए, लेकिन सेवा न करके सीधे पत्नी के गांव में पहुंच गए। शिव जी बेचारे राह देख रहे, देवता आएंगे कुछ मेकअप वेकअप करेंगे सजाएंगे, दूल्हा बनकर जाऊंगा, लेकिन कोई नहीं आया। तो शिव जी के जो गण थे उन्होंने सोचा कि चलो देवता नहीं आए, हम भी कोई कम थोड़ी ना है। शिव जी के गण जानते ना, भूत प्रेत रुद्र गण। तो शिव जी के गणों ने सोचा हम लोग श्रृंगार करेंगे, शिव ही शंभु गण कर ही श्रृंगारा, शंभु के गणों ने शिव जी का श्रृंगार किया, अब जैसी प्रकृति जैसा स्वभाव वैसा श्रृंगार। ये जो भूत प्रेत थे ये रुद्र गण थे, बोले क्या करे, पहले ये लोग स्नान कराते हैं। एक रुद्र गण गया सीधा श्मशान में, और श्मशान में जाकर ताजी ताजी राख भस्म लेकर आया, शिव जी के ऊपर डाल दिया, बिल्कुल बढ़िया स्नान हो गया। बोले कैसे लग रहे हैं, बोले बिल्कुल बढ़िया लग रहे हैं, शिव जी के पूरे शरीर पर राख को लगा दिया। लोगों ने बहुत आलोचना की, शिव जी लोग अपने शरीर पर पाउडर लगाते हैं, शिव जी राख लगाते हैं, लेकिन शिव जगत के लोगों को उपदेश देना चाहते हैं कि चाहे आज आप लोग अपने शरीर पर कितना हूं पाउडर लगाओ, कितना हूं मेकअप लगाओ, लेकिन एक ना एक दिन यह शरीर राख बनने वाला है, एक ना एक दिन यह शरीर जलने वाला है, इसे कभी मत भूलना। शिव जी बड़े तत्वज्ञ हैं, वैष्णव हैं। तो एक रुद्रगण गया, बोले स्नान तो हो गया, थोड़ा श्रृंगार करना चाहिए, दो बिच्छू को लेकर आया, बिच्छू जानते ना, दो बिच्छू को लेकर आया और शिव जी के कान में टांग दिया, बहुत सुंदर कुंडल है। अब जैसे जैसी प्रकृति जैसा स्वभाव वैसा श्रृंगार, और भोलेनाथ बैठे थे और बोले मुकुट होना चाहिए, मुकुट कहां से लेने जाए, शिव जी की लंबी लंबी जटा थी उसे ऐसे गोल गोल घुमाकर कसकर बांध दिया, बोले कितना सुंदर मुकुट। किसी रुद्रगण ने सोचा कि ये देवता लोग शादी करते हैं तो गले में बहुत बड़ा बड़ा गोल्ड का हार पहनते हैं, सोने का हार, बोले इसके लिए भी कुछ लाना पड़ेगा, कहीं बाहर गए और लंबा सांप लेकर आए, शिव जी के गले में पहना दिया सांप, और चार सांप के बच्चे लेकर आए, दो यहां और दो यहां बाजू बंद बना दिया, सांप बिच्छू ये शिव जी का श्रृंगार। बोले हमारे स्वामी की शादी है ना? और स्वामी की शादी में सबको निमंत्रण देना चाहिए, इनविटेशन देना चाहिए, तो शिव जी के जितने भी गण थे ये सारे गण सबको इनविटेशन देने के लिए गए, कहां जानते हैं, शमशान में। इस दुनिया के जितने भी शमशान थे सारे शमशान में पहुंच गए और शमशान में जाकर इनविटेशन देने लगे कि हमारे स्वामी का विवाह है और आप सभी भूत को, अपनी पत्नी भूतनी को और छोटे छोटे भूतों को, विथ फैमिली सब परिवार सबको साथ में लेकर आना, क्योंकि शादी जीवन में एक बार होने वाली है। तो सबको इन्विटेशन दिया, सभी शमशान में जाकर सभी भूत को विद फैमिली इनविटेशन दिया गया कि आप समय से पहुंचना, करके शिवजी पार्वती को लेकर घर पर आए। अब नई नई गृहस्थी थी, बहुत सुंदर गृहस्थी चल रही थी,
शिवजी कुछ ऑफिस ऑफिस तो नहीं थी उनकी, भजन साधन के लिए बाहर गए होंगे। उस दिन नारद, एक दिन नारद जी घर पर आए, पार्वती ने स्वागत किया। नारद जी ने कहा, कहो तुम्हारी गृहस्थी कैसे चल रही है? मन में हो रहा है कि अब तक तो अच्छी चल रही है, आपके आने के बाद अब क्या होगा इसका कोई भरोसा नहीं। बोले कैसी गृहस्थी चले? बहुत बहुत बढ़िया चल रही है। बोले पति पत्नी के बीच में कोई पर्दा तो नहीं? कोई पर्दा नहीं, हम दोनों प्रेम करते हैं एक दूसरे से। मैं अपनी सारी बात मेरे पति को बता देती हूँ, मेरे पति अपनी सारी बात मुझे बता देते हैं, कोई पर्दा नहीं। नारद जी ने कहा, अच्छा तुम्हारे पति अपनी सारी बात तुम्हें बता देते हैं? बोले हाँ। तो बताओ तुम्हारे पति ने अपने गले में जो मुंड माला धारण करके रखी है, जो बहुत सारी खोपड़ी पहन कर रखे हैं, वो किसकी खोपड़ी है? पार्वती ने कहा कि आज तक मैंने उनको पूछा नहीं, और मैंने उनको पूछा नहीं तो उन्होंने भी मुझे नहीं बताया, आने दो ऑफिस से घर पर खबर लेती हूँ उसकी। नारद जी ने कहा, नारायण नारायण, मेरा तो यही काम था झगड़ा कराने का, मैं जा रहा हूँ। मन में नारद जी चले गए, शिव जी घर पर आए, बेल बजाया, दरवाजा खोला, देखकर ही शिव जी समझ लिए कि देवी जी का मूड ठीक नहीं है, क्योंकि रोज तो शिव जी जब आते थे तो पानी का पूछती थी, भोजन का पूछती थी, आज कुछ नहीं पूछा। शिव जी ने तुरंत कहा, देवी घर पर कोई आया था? हाँ नारद जी आए थे। शिव जी समझ गए, तो ठीक है, बताओ क्या प्रॉब्लम है? बोले आज तक आप अपने गले में ये खोपड़ी धारण करके रखे हो, आपने आज तक मुझे नहीं बताया कि ये किसकी खोपड़ी है, आज तक आपने नहीं बताया, इतनी दूरी क्यों, इतना क्यों छिपाते हो आप, क्या आप मुझसे प्रेम नहीं करते हो? तब शिव जी ने बहुत सुंदर डायलॉग मारा जो सभी पुरुषों को मारना चाहिए। शिव जी ने कहा, देवी इस दुनिया में भगवान से भी ज्यादा यदि किसी से प्रेम करता हूं तो तुमसे करता हूं। हालांकि ऐसा था नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा कहना चाहिए, और भक्तों को तो दिन में 12 बार कहना चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं कि भक्तों को दिन में 12 बार अपनी पत्नी को आई लव यू कहना चाहिए, ये गुरु महाराज का आदेश, तब जाकर बैलेंस बनकर रहता है, कहना चाहिए। शिव जी ने कहा कि भगवान से भी ज्यादा तुमसे प्रेम करता हूं, और इसलिए पार्वती जब जब तुम्हारी मृत्यु होती है तो तुम्हारा स्मरण करने के लिए स्मारक चिन्ह के रूप में मैं तुम्हारी खोपड़ी को अपने गले में धारण कर लेता हूं। देवी ये और किसी की नहीं, ये तुम्हारी खोपड़ी है। पार्वती गिनने लगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, अरे बाप, ये मेरी खोपड़ी है, मुझे इतनी बार मरना पड़ा? बोले हाँ, और मैं इतनी बार मर चुकी और तो आप एक भी बार नहीं मरे? बोले नहीं। पार्वती ने कहा कि देखो स्वामी, मुझे बार बार मरना पड़ता है और आप एक बार भी नहीं मरते, इसका कारण क्या है? शिव जी ने कहा, इसका कारण है कि मैं अमर कथा जानता हूं, और अमर कथा के प्रभाव से मैं अमर हूं और तुम अमर नहीं हो। अब पार्वती तो जैसे टीवी की चैनल बदलती है ना, MTV से आस्था, वैसे बिल्कुल चैनल बदल गई। पति देव, क्या आपको भी मन में ऐसा नहीं लगता है कि मैं भी आपकी तरह अमर हो जाऊं? आपको इतना वजन लेकर घूमना पड़ता है, कितना वजन इसका है, आप एक काम करो, मुझे भी अमर कथा सुना दो, आप भी अमर, मैं भी अमर, दोनों अमर है? और फिर गाना गाएंगे, जन्म जन्म का साथ है, अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दुबारा। ये गाना गाना था उनको, इसलिए पार्वती ने कहा कि मुझे भी जरा अमर कर दो ना। शिव जी ने कहा, देखो अमर कथा सुनने के लिए पात्रता चाहिए, अमर कथा सुनने के लिए योग्य स्थान चाहिए, योग्य पात्रता चाहिए, योग्य समय चाहिए। जब स्थान, पात्रता और समय होगा तब मैं तुम्हें सुनाऊंगा।
इस प्रकार से शिव जी ने वादा किया। और अब तो शिव जी जब भी ऑफिस से घर पर, ऑफिस से नहीं, कैलाश से घर पर आते थे तो पार्वती यही कहती थी, कब सुनाओगे। एक दिन शिव जी पार्वती को लेकर अमरनाथ धाम में गए, डमरू बजाए, सारे पशु पक्षी वहां से चले गए, एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए और पार्वती को नीचे बिठाकर कहा कि मैं तुम्हें अमर कथा सुनाने जा रहा हूं, लेकिन याद रहे कि अमर कथा सुनते समय तुम सोना मत, अमर कथा सुनते समय सोना मत। और मैं आपको भी कह रहा हूं, 12:40 हो चुकी है लेकिन यहां पर शिव जी नहीं बैठे हैं, इसलिए चिंता मत कीजिए, नींद आए तो सो जाओ, लंबे यहां पर भी जगह है, यहां पर ऐसे पूरा भी सो सकते हो, चेयर पर सो सकते हो, लेकिन भागवत में बैठना। उत्तम चीज तो यही है कि सुना जाए, लेकिन नींद आ जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन शिव जी ने कहा कि देखो, यदि आप सो गए तो भागवत कथा के, अमर कथा के फल से वंचित रह जाओगे, सुना मत। पार्वती ने कहा मैं नहीं सोऊंगी। शिव जी ने कहा मुझे कैसे पता चलेगा, क्योंकि जब जब मैं अमर कथा माने ये भागवत कथा, जब जब मैं अमर कथा भागवत कथा बोलता हूँ, मैं भाव विभोर हो जाता हूँ, मेरी आंखें बंद हो जाती हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम जगी हुई हो। पार्वती ने कहा कोई बात नहीं, आप कथा सुनाते रहिए, मैं हुंकार दूंगी, हाँ 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 ऐसे करती रहूंगी, मैं हुंकार भरूंगी। शिव जी कथा सुनाना प्रारंभ किए, पार्वती हुंकार दे रही है, और कथा सुनते 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 पार्वती को नींद आ ही गई। लेकिन भक्तों, उस समय उसी वृक्ष के ऊपर एक शुक का बच्चा था जिसकी पंख नहीं थी, इसलिए वो उड़ नहीं पाया था, और वह शुक का बच्चा भागवत कथा सुन रहा था। शिवजी ने जब पार्वती ने ओंकार देना बंद किया तो वह शुक ओंकार देने लगा। अमर कथा समाप्त होने के बाद शिवजी ने जब अपनी आंखें खोली, देखा पार्वती सोई हुई है, लेकिन मन में प्रश्न हुआ, पार्वती यदि सोई हुई है तो हुंकार कौन दे रहा है। तुरंत शिव जी खड़े हुए, ढूंढने लगे यहीं पर कोई होगा। उस वट वृक्ष के ऊपर कथा सुनकर उसका शरीर पूर्ण बन चुका था, वह शुक वह तोता बैठा था। शिव जी ने हाथ में त्रिशूल उठा लिया उस तोते को मारने के लिए, और तोता वहां से उड़ गया। तोता आगे आगे, शिव जी पीछे पीछे, और अमरनाथ से बद्रीनाथ धाम में वह तोता पहुंचा। शिव जी उसका पीछा कर रहे हैं, और बद्रीनाथ धाम में वेदव्यास जी की पत्नी, जिसका नाम था कृतिका या वृतिका, उस वेदव्यास जी की पत्नी कृतिका को जम्हाए आई, मुंह खुला और वह तोता उस मुख के मार्ग से उसके पेट में चला गया। शिव जी त्रिशूल लेकर खड़े रह गए, वेदव्यास मुनि आए और शिव जी को कहा, भोलेनाथ इसने अमर कथा सुन रखी है, अब ये अमर बन चुका है, आप भी इसे नहीं मार सकते। शिव जी वहां से वापस लौट गए और धीरे धीरे समय बीतता गया। 9 महीने के बाद प्रसव हो जाता है, लेकिन 1 साल बीत गया, 2 साल, 3 साल, 4, 5, 6, 10 साल बीत गए, लेकिन वह बालक बाहर नहीं आया। साक्षात भगवान ने आकर जब उस बालक को निवेदन किया, तब 16 साल के बाद वह बालक अपनी माँ के गर्भ से बाहर आया, और बाहर आते ही इतना विरक्त था वह बालक, वह घर छोड़कर वन में चला गया। बोले एक घड़ी भी घर पे रहूंगा तो मोह माया में फंस जाऊंगा, निकल गया और वन में भटकने लगा। वेदव्यास जी हाँ पुत्र करके उस अपने पुत्र को लेने के लिए उनके पीछे दौड़े, पुत्र ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उस जंगल के वृक्ष ने जवाब दिया, वेदव्यास जी आप वापस लौट जाइए, क्योंकि महात्मा का जीवन महात्मा के लिए नहीं होता है। बहुत सुंदर बात बताई कि गाय दूध देती है, लेकिन गाय का दूध अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए होता है। नदी जल देती है, 24 घंटा नदी से जल निकलता है, लेकिन नदी का जल अपने लिए नहीं, वह दूसरों के लिए होता है। और वृक्ष फल देते हैं, लेकिन वृक्ष अपना फल कभी नहीं खाते, वह वृक्ष का फल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए होता है।
गाय का दूध दूसरों के लिए होता है, नदी का जल दूसरों के लिए होता है, वृक्ष का फल दूसरों के लिए होता है, वैसे महात्मा के पुत्र अपने लिए नहीं वह दूसरों के लिए होते हैं। संत साधु और महात्मा के पुत्र संतान दूसरों के लिए होते हैं। व्यास जी, ये आपका पुत्र आपके लिए नहीं वह समाज के उद्धार के लिए। वेदव्यास जी वहां से वापस लौट गए, परंतु सुखदेव गोस्वामी ने उस वन में भागवत के दो श्लोक सुने, पर भागवत के श्लोक को सुनकर सुखदेव गोस्वामी मचल गए। भागवत के श्लोक बोलने वाले को पकड़ लिया, बोले ये आपने कहाँ से सीखा? बोले हमारे गुरुदेव से। बोले आपके गुरु मुझे ये भागवत सिखाएंगे? बोले हाँ सिखाएंगे। बोले मुझे उनके पास लेकर चलो। जब ये शिष्य लेकर गए तो पता चला ये तो हमारे पिताजी भागवत सिखाते हैं। सुखदेव जी ने वेदव्यास जी को अपना गुरु बनाया और वेदव्यास जी से भागवत को पूर्ण आत्मसात किया, और भागवत को आत्मसात करके सुखदेव गोस्वामी विचरण करने लगे। विचरण करते 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 महाराज परीक्षित जब भगवान से स्तुति कर रहे थे कि हे प्रभु मुझे 7 दिन भागवत कथा सुननी है, तो भगवान के योग से सुखदेव जी विचरण करते करते भागीरथी गंगा के तट पर महाराज परीक्षित की सभा में पधारे। 16 साल के युवक हैं, श्याम वर्ण का शरीर है, लंबे बाल हैं, दिगंबर अवस्था धारण करके रखे हैं, प्रकाश का पुंज निकल रहा है, और सुखदेव जी को देखकर बड़े बड़े महात्मा गण खड़े हो गए। उच्च आसन पर सुखदेव गोस्वामी को बिठाया गया, सब लोग अपना अपना आसन ग्रहण किए। महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी के चरणों में बैठे और चरणों में बैठकर महाराज परीक्षित जिज्ञासा करने लगे। अतः प्रच्छामि समसिद्धि योगिनाम परमम गुरुम। हे सुखदेव जी, आप योगियों के परम गुरु हो, आप बताइए इस दुनिया में जिस मनुष्य को मरना है ऐसे मरण धर्मा मनुष्य को क्या करना चाहिए? मनुष्य के लिए सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? हे सुखदेव जी आप बताइए। सुखदेव जी ने मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य बताया, जिस कर्तव्य का पालन करके व्यक्ति इस जीवन में भी सुखी हो जाता है और मरने के बाद भी सुखी हो जाता है। तो सुखदेव जी ने मनुष्य के लिए सबसे बड़ा कर्तव्य बताया, यह कथा कल बिल्कुल ठीक 10 बजे हम प्रारंभ करेंगे। आप सभी भक्तों से निवेदन है कि कल के सत्र में भाग लीजिए और यहीं से इस कथा को कंटिन्यू श्रवण कीजिए। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे। रविकुल प्रभु अनाउंसमेंट है? अनाउंसमेंट नहीं है। कल रथ यात्रा है तो आप सभी भक्तों से निवेदन है रथ यात्रा में भाग लीजिए। और 2 मिनट के लिए महासंकीर्तन, सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और नाचते हुए घर पर जाएंगे सब लोग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा जय हो, हरि नाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हो कृष्णा कृष्णा हरे बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे सब बाला रूप रसाला ब्रज की सब बाला रूप रसाला करीबे हला नंद लाला ना कीर्तन जाला पद निशाला दिन दयाला नंद लाला आए नहीं आला कृष्ण कृपाला बंसी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे नाम संकीर्तन की कृष्णचंद्र भगवान की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव की श्रील प्रभुपाद